आप इसमें अंगूठी को ढूंढिए। ये मामूली रस्म नहीं है जमाई बाबू, क्या है ना, जिसको अंगूठी मिलती है हवेली पे उसका ही राज चलता है। बाबा खेलिए ना, अंगूठी ढूंढनी है। मोनिका देखना, बाबा जीतेंगे। संपूर्ण माई जीतेगी। बाबा जीतेंगे। संपूर्ण माँ। बाबा। संपूर्ण माँ। लगी शर्त? लगी। चल। बाबा आपको मेरे लिए जीतना है। करने ही तो आई है यहाँ, इसी चाल से तो बहू बनी। सेवा और समर्पण का तो एक गुण नहीं है। चल बेटा संपूर्णा, अब उठ जा और जाके बड़ों से आशीर्वाद ले ले। मुझे पता है कि तू इस घर की बड़ी बहू है और तेरा ओहदा इस घर में सबसे बड़ा है। भले ही दो मिनट के लिए ही सही, जमींदार त्रिलोचन बाबू तो बड़े है ना बिनोय जामाई बाबू से। तो जा बेटा उठ, ले ले उनका आशीर्वाद। उनसे आशीर्वाद लेने के पीछे क्यों भैया? कुछ तो माजरा है सबके पीछे जो हम समझ नहीं पा रहे। मुझे इस हवेली से निकालना चाहता था ना तू, त्रिलोचन रॉय चौधरी। अब देख, तुझसे तिजोरी की चाबी लेकर तुझे ही बाहर निकलवाऊंगी मैं। आज मैं तेरी पाँव छूंगी, पर कल सत्ता आते ही तुझे अपने पाँव में गिराऊंगी मैं। हे दुग्गा माँ, मेरी संपूर्णा दीदी और काका ससुर जी के रिश्ते को अच्छा कर देना। ऐसा कर देना कुछ कि काका ससुर जी अपना ले दीदी को। चलो जाओ अब आशीर्वाद लो। हम चाहते हैं कि हमारे घर से अब शगुनी दूर हो जाए, इसलिए आज शाम को ही बिहारी और संपूर्णा का विवाह होगा। समय आ गया है अब तेरा रंग ढंग बदलने का। मेरी बात मानकर सही ताव खेलेगी ना, नौकरानी से रानी बन जाएगी तू। आशीर्वाद दीजिए ना संपूर्ण माँ को काका ससुर जी। इतने सालों से इस घर में बड़ी बहू नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ तो आपने ही उठाया है ना त्रिलोचंदा। मैं जानती हूँ थक गए होंगे ना आपके कंधे, इसीलिए अब जब इस घर को बड़ी बहू मिल गई है तो मैं चाहती हूँ आप अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दें। और खुद थोड़ा आराम कर ले। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छी बहू बनूंगी और इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। वो क्या है ना, अब तो आपकी उम्र भी हो रही है और
आपने सबके लिए बहुत कर लिया, अब मुझे निभाने दीजिए फर्ज जो इस घर की बड़ी बहू को निभाना चाहिए। हाँ, और वो सारी जिम्मेदारियाँ खुशी खुशी मुझे दे दीजिए जो आपने शुभ्रा बहन को दी थी। सोचिए मत त्रिलोचंदा, अनिरुद्ध ने तो पहले ही मुझे जगा दे दी शुभ्रा बहन की। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। समझ गए हैं हम, घर की जिम्मेदारियों की आड़ में तिजोरी की चाबियां मांग रही हो ना। इतने सारे मेहमानों के सामने तुम मुझे चाबियां देने से मना नहीं कर पाएगा। आज से इस घर की चाबियां मेरी कमर में होगी और सत्ता मेरे हाथ में होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जो अधिकार है वो अवश्य मिलेगा तुम्हें। हम घर के बड़े और क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि एक अच्छी लक्ष्मी स्वरूप बहू मिले जो मान सम्मान संस्कार प्रतिष्ठा सब समझे और परिवार की परंपराओं का भी ध्यान रखे। तो हमें लगता है कि अब सही समय आ गया है जब इस घर की बहू, इस घर की गृह लक्ष्मी इस घर की बागडोर संभाले। इसलिए आज से इस घर की रसोई और इस घर की बाकी सारी जिम्मेदारियां हम संपूर्णा के हवाले करते हैं। आज से सारी जिम्मेदारियां यही संभालेगी। और हाँ, वो जो हमने शुभ्रा बहन को दिया था वो भी आज हम तुम्हें दे देते हैं। तिजोरी की चाबियां। देखो तो तुम्हारी बहू को कितना खुश है, कितना अच्छा स्वागत किया इसने तुम्हारा। हाँ, अब बॉन्डिता ने बहू का फर्ज निभाया है तो हमें पूरा विश्वास है कि तुम भी अच्छी सास का धर्म निभाओगी। और जैसे उसने तुम्हें सम्मान दिया है वैसे ही तुम उसे आशीर्वाद दोगी। दोगी ना आशीर्वाद अपनी बहू को? मेरा सब कुछ जो भी है वो तो बॉन्दिता बहू का ही है ना? बिल्कुल यही आशा थी तुमसे हमें। अरे हाँ, माफ करना, तुम जानती नहीं होगी इसलिए बता दें, रॉय चौधरी परिवार में एक परंपरा है कि सास अपनी बहू को आशीर्वाद के साथ और भी बहुत कुछ देती है, मतलब जैसे खानदानी गहने, खानदानी पाक विद्या, परिवार के रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारियां और तिजोरी की चाबी। शुभ्रा बहन होती तो वो भी तो यही करती ना। और तुमने खुद ही कहा कि तुम शुभ्रा बहन के नक्शे कदम पर चलना चाहती हो, तो भाई बड़े होने के नाते तुम्हें सही रास्ता दिखाना तो हमारा फर्ज बनता है ना। अब तुम भी आगे बढ़ो और आशीर्वाद के साथ साथ जिम्मेदारियों की चाबियां दे दो अपनी बहू को। हमें बहुत खुशी है कि आप सब भागीदार बनेंगे इस सुंदर पल के, जब रॉय चौधरी परिवार की सास अपनी प्यारी संस्कारी गुणवान और शिक्षित बहू को अपने हाथों से आशीर्वाद देगी। वो बहू जिसने हर मुश्किल घड़ी में
रॉय चौधरी परिवार को संभाला है, उसकी इज्जत को बचाया है, अपने पति की जान बचाने के लिए जिसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू को आज उसकी सास के हाथों से तिजोरी की चाबियां मिलेंगी। अरे सब कम से कम प्रशंसा में तालियां तो बजाओ। आशीर्वाद दीजिए सास को और बहू को। अरे खुलकर जाहिर कीजिए अपनी प्रसन्नता, जोर से बजाइए। बहुत शातिर है ये त्रिलोचन, कितनी आसानी से बाजी पलट दी। बहू क्या कर रही हो, अपनी सास के पांव पकड़ लो। और छोड़ना मत जब तक तिजोरी की चाबियां ना दे। डटी रहना क्योंकि आज से ही सास और बहू के खट्टे और मीठे रिश्ते की शुरुआत हो रही है। संपूर्णा माँ, आप जब तक चाबियों का गुच्छा नहीं दे देती मुझे, पाँव नहीं छोड़ूंगी मैं आपके। और आप तो जानती है ना, बॉन्दिता कुछ ठान ले तो पूरा करके ही रहती है। अरे अब दे भी दो चाबियां, तुम बड़ी हो, सास हो, और कितनी देर तक पांव पकड़वा के रखोगी नन्ही सी बच्ची से। अरे ये सास चाबियां क्यों नहीं दे रही है, चाबी छोड़ने का मन नहीं है क्या? लो बताओ ये भी कोई बात है। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, वही तो घर चलाती है, अरे उसी को तो संभालना है सब कुछ। और फिर बोंदिता तो इसकी बहन है ना, अपनी बहन को चाबी देने में कैसे परेशानी। से आपका आशीर्वाद समझकर साड़ी के पल्लू में बांध कर रखूंगी मैं। और इन चाबियों को हमेशा हमेशा अच्छे से संभाल कर रखूंगी, कभी अलग नहीं होने दूंगी इस बच्चे को अपने आप से। ये वादा है आपकी बहू बॉन्दिता रॉय चौधरी का। रॉय चौधरी की घर की बहू और बॉन्दिता की सास तो बन गई, लेकिन आज त्रिलोचन रॉय चौधरी ने
तेरी हैसियत फिर से भिखारी जैसी बना दी तो इस हवेली की मालकिन तो बन गई संपूर्णा, लेकिन तुझे मोंदिता के नीचे रहकर ही काम करना होगा। अब देखा, समझ में आया तुझे कि मोंदिता तेरी बहन नहीं है? तेरे इस राजगद्दी पे बैठने के रास्ते पे सबसे बड़ा कांटा वही है। तेरी कुंडली में शनि जैसे बैठी है मोंदिता। तू जब तक उससे चाबियों का गुच्छा नहीं देगी तब तक तू इस हवेली की रानी नहीं नौकरानी बनती रहेगी। इस बात को अच्छे से समझ ले। पर माँ, इसमें मोंदिता की क्या गलती है? जो कुछ भी किया है शातिर त्रिलोचन ने किया है ना? संपूर्णा, तुझे कब समझ आएगा? तेरा असली मुकाबला वो जमींदार त्रिलोचन नहीं मोंदिता से है। उसने अपनी जगह इस हवेली में तो बना ली, अब तुझे अपनी जगह बनानी है। तुझे अगर इस हवेली में राज करना है तो तुझे उसे राजगद्दी से हटाना होगा। तुझे राजरानी का योग छीनना होगा उससे, समझी? चिंता करती थी मेरी माँ कि मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं है कि छोटी सी मोंदिता का ख्याल रखने के लिए। पर जब माँ तीर्थ से लौटेंगी तो कितना खुश होंगी देख के कि संपूर्णा दीदी सासू माँ बन गई है मेरी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं और संपूर्णा दीदी हमेशा साथ रहे, कभी दूर ना हो हम एक दूसरे से। ऐसे मेरी सास बनकर मेरे साथ रहेगी मेरी प्यारी दीदी। सच कहती है माँ, सच्चे मन से दुबका माँ से मांगो तो हमेशा सुनती हो आप। तभी तो मैंने दिल से मांगा और आपने पूरी कर दी मेरी इच्छा। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, अब हमेशा साथ रहेंगे हम सास बहू बनकर। अच्छी बहू की तरह सारी बातें मानूंगी मैं अपनी दीदी की। अब बहन का प्यार और सास की सिख दोनों मिलेगी मुझे। बहू, तुम्हारा मन सोने के जैसा है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसी दिखती है। कैसे समझाएं तुम्हें कि तुम कितना गलत समझती हो। हमारी बहन तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं है। उसका मन तो कोयले की कालिक से भी काला है। पहले जैसी भूली नहीं रही है वो, बल्कि बहुत ही शातिर और चालबाज है तुम्हारी बहन। हमें डर है कि कहीं उसका विश्वास करने में तुम धोखा ना खा जाओ बहू, इसलिए हमें तुम्हें सावधान तो करना होगा। बहू, बहू, तुम जानती हो ये क्या है? ये? हाँ? ये तो तिजोरी की चाबियां हैं। सही जवाब। ये तिजोरी की चाबियां हैं, पर क्या तुम ये जानती हो कि इस तिजोरी में ऐसा है क्या? हाँ, पैसे, गहने, कागजात और बस। हम बताते हैं तुम्हें, इस तिजोरी में रॉय चौधरियों का मान सम्मान और उनका रुतबा भी है, जो कि बेशकीमती हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती है हमारे लिए। इसमें वो प्रतिष्ठा है हमारी, जिसे दिलो जान से संभाल के रखा था अनिरुद्ध की माँ यानी हमारी शुभ्रा बहन ने। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है,
और हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और दिल से निभाओगी। हाँ काका सिसी जी, पूरे दिल से निभाऊंगी मैं ये जिम्मेदारी। नहीं बहू नहीं, सिर्फ निभानी ही नहीं है बल्कि ये ध्यान रखना है कि ये चाबियां कोई खिलौना या मिष्टी नहीं है जो दूसरों में बांट दी जाए या बिना सोचे समझे किसी और के हाथ में दे दी जाए। पर मुझे क्यों दी आपने चाबी? हमने कहा दी तुम्हें? हमने नहीं दी ये चाबियां तुम्हें, ये तो तुमने कमाई है। तुम्हारे जैसी जिम्मेदार रॉय चौधरी बहू ही लायक है इन चाबियों के, इसीलिए हमारी बात ध्यान से सुनो। कोई चाहे कितना भी कहता रहे पर ये चाबी किसी के हाथ में मत देना। ठीक है, नहीं दूंगी किसी को भी काका सिसु जी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.